किशोर का हित सर्वोपरि। असम की राजधानी गुवाहाटी से एक बड़ी खबर आ रही है। NTCAA छात्र नेता और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर छात्र संघ के गोरखाली मूल के महासचिव राहुल छेत्री को बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने तलब किया। छेत्री, जो असम में भारतीय राज्य गोरखा युवा परिसंघ के महासचिव भी है, को शुक्रवार 20 मार्च के दिन 11 बजे गवाही के लिए NIA के समक्ष पेश होने के लिए एक समन के माध्यम से बुलाया गया है। उन्हें धारा 160 CRPC के तहत तलब किया गया है। राहुल मुखर छात्रों में शुमार किए जाते हैं जो इन दिनों CAA विरोधी आंदोलन के अगुवा चेहरे हैं। वह असम में एक जाना माना युवा चेहरे बन रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय गोरखा युवा परिसंघ के अध्यक्ष नंद किराती देवान ने कहा है कि राहुल को फंसाया गया है क्योंकि उनके भाई के नाम पर नोटिस जारी किया गया था और उनका नाम फिर से लिखा गया। उनके भाई अबुधाबी में पिछले 2-3 साल से काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सूचित किए जाने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हम मुद्दों को सत्यापित करने के लिए के संख्या की जांच कर रहे हैं। गुवाहाटी में स्थित कानून मित्रों से उन्होंने अनुरोध किया है कि वह केस संख्या से विवरण प्राप्त करे। नंद किराती ने आगे कहा कि हमारी कानूनी टीम अभी सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है एवं पिछले मौके पर साक्षी के लिए बुलाए गए लोगों को अब तक सलाखों के पीछे डाल के रखा गया है, इसलिए उन्हें अपने गोरखाली युवा नेता पर काफी परेशानी एवं काफी चिंता हो रही है कि उनके साथ भी ऐसा न किया जाए। नंद किराती देवान हमारे साथ मौजूद है। नंद जी, आपका स्वागत है। स्वागत है, नमस्कार दीपक जी, थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी अब यह खबर असम के गोरखाली समाज के लिए है कि उनका गोरखा समाज का एक लड़का युवा नेता CAA विरोधी आंदोलन रैली में शामिल होने के लिए NIA के एक समक्ष पेश होगा गवाही के लिए। क्या है आपका रेस्पॉन्स इस पूरे मामले में, जरा जानकारी देंगे? ऐसा है, राहुल छेत्री जो भारतीय गोरखा युवा परिषद असम इकाई की मूल सचिव है, जनरल सेक्रेटरी है, उनको कल एक घर में एक सामान मिला है। समन में ये बात कही गई है कि उनको भारतीय दंडविधि धारा जो है CRPC 160 के आधार पर विटनेस के लिए बुलाया गया है। लेकिन जो केसेस मेंशन किया गया है, जिस केस में उनको विटनेस के रूप में बुलाया गया है, वो है विभिन्न गैर जिम्मेदाराना हरकत, जैसे देश के अगेंस्ट में बोला हुआ संगठन या कोई व्यक्ति से उनका जो ताल्लुक है, इस तरह का एक वो दिखा के उनको बुलाया गया है। कोई आदमी अगर किसी देश विरोधी संगठन के बिना में विटनेस देना चाहता है तो उसको उसके बारे में भी मालूम होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें लगता है ये कहीं ना कहीं एक एडमिनिस्ट्रेटिव का एडमिनिस्ट्रेशन का या चाल हो सकती है कि उनको एक ट्रैप करने के लिए उनको एक इस तरह से, क्योंकि पहले तो प्राइमा फेशिया जो नोटिस है, नोटिस उनके नाम में नहीं निकला था, उनके भाई के नाम में निकला था। उनके भाई का नाम क्या है? उनके भाई का नाम है रुबुल छेत्री। रुबुल छेत्री के नाम में निकला था और जब साइन हुआ दोबारा साइन के उसको ऑब्लिक दे के राहुल छेत्री का नाम ब्लैक पेन से लिखा गया है। तो सारी जो घटनाक्रम है, राहुल का विरोध कर रहा, सारा देश का विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे लोग का विरोध कर रहे हैं, वो का विरोधी आंदोलन का एक समर्थक है और उसने लीड लिया है, युवा संगठन के नाते से लीड लिया है, छात्र संगठन के नाते से लीड है। इसके अलावा वो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट्स यूनियन है, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है, डबल मास्टर्स करे, उस स्टूडेंट यूनियन का भी वो जनरल सेक्रेटरी है, इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी है, उसके आधार पे भी वो आज छात्र समाज का चेहरा है का विरोधी आंदोलन में, और इसके चलते उनको बुलाना स्वाभाविक था। लेकिन जिस केस के लिए बुलाया गया है, कहीं ना कहीं ये संदेह जागता है। और जिस तरह से नोटिस निकला है, भाई के नाम से निकला है, गलत किसी ने उसको इन्फॉर्मेशन दिया कि इस आदमी को तो आपको डिटेन करना ही है, बुलाना ही है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो यह गड़बड़ हुई है। तो मुझे हमारी जो भारतीय गोरखा परिसंघ है, हमने अपने लीगल टीम को तैयार रखा है, हमने ऑल असम गोरखा स्टूडेंट्स यूनियन के अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट इंचार्ज है, उन लोगों को भी मैसेज पहुंचा दिया है कि, और वो लोग भी पूरी जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया में अगर राहुल छेत्री को डिटेन किया जाता है 160 में, खाली आपका विटनेस के लिए बुलाया गया, विटनेस के अलावा अगर उसको किसी तरह का प्रेशर किया जाता है या 24 घंटे के ऊपर डिटेन किया जाता है, तो हम गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा होंगे और उसको लीगल जो डोर है हम उसको खुले रख रहे हैं।
अच्छा, ये पूरे मामले में अभी तक गवाही देने के लिए ही उनको एक नोटिस मिला है, लेकिन अभी आपको क्या आशंका है कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि उनकी गिरफ्तारी, क्या गिरफ्तारी भी उनकी हो सकती है? इस तरह की आशंकाओं से आप अभी ऐसा तो नहीं? इससे पहले कॉटन कॉलेज के स्टूडेंट्स यूनियन का जीएस, एक्स जीएस को भी इसी तरह से गवाही के लिए बुलाया गया था, उसको भी एक हफ्ते के लिए डिटेन कर दिया गया था। इसके बाद आईआईटी का एक छात्र अपूर्व कलिता को भी बुलाया गया था, उसको भी एक ऐसे ही डिटेन हिस्ट्री था और उसको तो वर्क प्लेस में डिटेन किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो इससे पहले एनआईए की जो हिस्ट्री है, एंटी का मूवमेंट में जो भी गवाही के लिए बुलाया गया उनको एक डिटेन किया हुआ 2-3 हिस्ट्री हमें पहले हमने देखा है, तो इसके चलते हम सतर्क है। और जहां तक ये तो पूरा ओपन एंड शॉट केस है कि राहुल छेत्री एनआईए जिस केस को तलाश रही है उससे उसका कोई लेना देना नहीं, कोई दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है। हाँ जरूर, राहुल छेत्री ने एज अ का प्रोटेस्टर, एज अ डेमोक्रेटिक सिटीजन, उसने हर का प्रोटेस्टर्स के मिला है, हर का प्रोटेस्टर के साथ, यही नहीं खाली असम में ही नहीं, वो दिल्ली में बाहर के यूनिवर्सिटीज में जाके लेक्चर रखा है। वो एक देश के डेमोक्रेटिक नागरिक के हिसाब से उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट किया है। लेकिन एनआईए जब समन करता है, एनआईए के केसेस क्या होता है, आप देश जानती है कि एनआईए तो गलत गतिविधियों की ऊपर वो छानबीन करती है। तो राहुल छेत्री जैसा एक स्टूडेंट को, जो 24 साल का एक युवा स्टूडेंट है, जो अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन के भी जनरल सेक्रेटरी है, उसको बुलाना कहीं ना कहीं, और गलत नोटिस दे के गलत तरीके से बुलाना, कहीं ना कहीं दूसरों की कहा सुनी पर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रही है क्या, एनआईए बात सुन के काम कर रही है क्या? जी ये जानना चाहेंगे कि देखिए, आपको ये लग रहा है कि जांच एजेंसी का काम ये नहीं है कि इस तरह के संबंध देके बुलाया जाए, और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक साजिश हो सकती है एक युवा छात्र नेता के ऊपर? नहीं, डेफिनेटली उनको या तो ऑफ रिकॉर्ड, अगर ऑन रिकॉर्ड ये कहा जा सकता है, अगर आपको ये आदमी को बुलाना है तो उस आदमी का नाम पता एनआईए जैसे जांच एजेंसी को अगर सही से पता नहीं है, भाई के नाम पर, उनका भाई, उनसे छोटा भाई जो अभी देश में भी नहीं है, वो यूएई में काम कर रही है, कर रहा है, वो देश में नहीं है, और वो का प्रोटेस्ट से दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता ही नहीं है, पिछले 1.5-2 साल से वो बाहर है, देश के बाहर है, असम से तो छोड़ी दे, देश के बाहर है, उस आदमी के नाम में नोटिस निकलना, कहीं ना कहीं जिस आदमी ने इस केस को बनवाया है वो श्योर नहीं था जो राहुल है या रुबुल है, ऐसा भी हो सकता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साजिश तो जरूर है, या तो ये, या किसने किया इसका भी, इसको भी हमें आने दिन में जानने की जरूरत है। लेकिन जहां तक भारतीय गोरखा परिसंघ का सवाल है, युवा परिसंघ के अपने मेंबर को कोई भी कानूनी ये जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में उनको डिटेन या अरेस्ट करने का कोई मौका ना मिले, इसके लिए हमारी लीगल टीम खड़ा है, और हमारे जो साथी संगठन है अखिल असम गोरखा छात्र संघ, उनसे भी हमारी मेरी बातचीत हो चुकी है और वो भी तैयार है। अगर राहुल छेत्री को समय के थोड़े ऊपर भी, 1 घंटे के भी ऊपर डिटेन किया जाता है तो एक भरमार आंदोलन किया जाएगा। एनआईए का जो सोनापुर स्थित नाजिरा घाट में जो कार्यालय है, आक्सू और भारतीय गोरखा युवा परिसंघ के लोग उसको घेराव करेंगे इस तरह काम ने। और आक्सू और युवा परिसंघ ही नहीं, अब राहुल जिस संगठन के साथ टच में था, सारा संगठन के नेतृत्व ने हमें फोन में बताया है कि राहुल को कुछ नहीं होने देंगे, हम आपके साथ हैं, और अगर चाहे तो आप बुलाइए, हम डिब्रूगढ़ में भी प्रोटेस्ट करेंगे, जोरहाट में भी प्रोटेस्ट करेंगे, जहां जहां संभव होगा प्रोटेस्ट करेंगे। और आगे जो 2 केसेस हुए, तीसरी बार राहुल का ऐसा केस नहीं होना चाहिए, ये जो मैसेज है अन्य छात्र संगठन के लोग भारतीय गोरखा युवा परिसंघ के नेतृत्व को दे रहे हैं। देखिए नंद जी, एक चीज और जानना चाहेंगे अंत में आपसे। देखिए सीएए आंदोलन कहीं ना कहीं असम राज्य से शुरू हुआ, और असम राज्य की राजनीति छात्र राजनीति से ही कहीं ना कहीं एक प्रभाव में रही है लंबे समय से। सीएए का विरोध पूरे देश का और असम राज्य का, कैसे अंतर कर सकते हैं इसमें? देखिए अन्य देश के अन्य जगह में शायद इसको 2 ढांचे से देखा जा सकता है, कहीं कहीं धार्मिक एंगल से देखा गया है, कहीं कहीं विभिन्न एंगल से देखा गया है। जहां तक असम और नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, यहाँ पर एंगल धार्मिक एंगल नहीं है, यहाँ का पोलराइजेशन का एंगल नहीं है, यहाँ कितने हिंदू आएंगे, कितने मुसलमान आएंगे, कितना सिख आएंगे, इस पर हम कुछ भी नहीं, हमारा हमारा ताल्लुक ही नहीं है। हमारा यहाँ का जो इंडिजिनियस लोग है उसको उसका जो नंबर्स है, उसका जो भाषा है, उसका जो संस्कृति है,
उसके ऊपर अलग अलग भाषा के लोग या नए लोग आके उसका जो डेमोग्राफी है वो डेमोग्राफी चेंज ना हो जाए। हमारे जो भाषा संस्कृति है यहाँ का असम का अपना जो विशिष्ट है उसको दूसरे लोग या तो इस कानून के आधार पर आए हुए नए लोग के द्वारा कहीं ना कहीं इसको डेमोग्राफी चेंज नहीं कराया जा सकता है। और यहाँ पर ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग 1971 का असम अकॉर्ड है, अकॉर्ड के आधार पर जितने आए वो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जो भी आए रह गए 1971 तक। उसके अलावा ना हिंदू ना मुसलमान ना कोई भी धर्म के लोग 1971 के बाद में नहीं आ सकेंगे, ऐसा एक ऑलरेडी अकॉर्ड एग्जिस्ट करता है। और उस अकॉर्ड का आत्मा जी एक तरह से ये माना जाए कि असम राज्य की जो CAA विरोधी आंदोलन है वह राष्ट्र विरोधी नहीं है, जिस तरह से देश के अन्य भागों में हो रहा है। एक तरह से कहीं ना कहीं CAA आंदोलन के नाम पे राष्ट्र विरोधी कई चीजें हुई है, लेकिन असम का जो CAA विरोध है वो लोकतांत्रिक है एवं सरकार से एक जायज मांग है, ये आप मानते हैं? डेफिनेटली एकदम जायज मांग है, और वो अपने लिए, अपने हित के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी भाषा संस्कृति, अपनी अपनी जो स्टेट है उसके रक्षा के लिए है। और कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज ना हो, अपने पर कोई खतरा ना मंडराए, और जो एग्जिस्टिंग अकॉर्ड है, असम अकॉर्ड है, उस असम अकॉर्ड की आत्मा को कहीं ना कहीं हानि हो सकती है। इस के कारण यहाँ पर का विरोध हो रही है, का विरोध यहाँ धर्म के आधार पर नहीं हो रही है, ये बात साफ करना चाहता हूँ मैं। चलिए, आपने आपने हमसे बात की, और साथ ही साथ हम ये भी अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि देखिए, असम से CAA विरोध आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन भारत के अन्य हिस्सों में जिस तरह से देश विरोधी नारे लगते हैं उस तरह का कोई भी मामला अभी तक असम के आंदोलन में नहीं हुआ। असम का आंदोलन पूर्ण रूप से भौगोलिक पूरी तरह से आबादी के हिसाब से कुछ वहां पे वहां के स्थानीय लोगों को परेशानी न हो और इसलिए आंदोलन हो रहा है, और कहीं पे भी देश विरोधी राष्ट्र विरोधी जैसी चीजें देखने को अभी तक नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि हमारे गोरखा की बात है, जी हमारे गोरखाली समाज के किसी भी बालक के साथ, युवा छात्र नेता जो असम राज्य के आने वाले भविष्य है, उनके साथ किसी भी तरह का बुरा बर्ताव ना हो। आगे केवल उनको गवाही के लिए बुलाया जाए, अगर कुछ भी होता है तो आप उनके पीछे डटे रहेंगे, हमें उम्मीद है। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देश के समक्ष हमारे बातें रखेंगे ऐसा हमें आशा है, और देश के लोग भी राहुल छेत्री को समर्थन करेंगे और नेशन स्टैंड्स विद राहुल ट्रेंड करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप।